नहीं सही कुछ नहीं कहूँगी। अब मैं भी तुम्हें ठाकुर सुहागी बात कहूंगी, वही बात कहूंगी जो तुम्हें सुनकर अच्छा लगे, नहीं तो मौन साध कर चुपचाप महल के किसी कोने में पड़ी रहूंगी। अरे कोई राजा बने कोई रानी बने हमें क्या है, मैं दासी हूँ मैं दासी ही रहूंगी, मैं महारानी थोड़ी बन जाऊंगी। अरे मंत्री तुम क्या कर रही हो, मैं कुछ समझ नहीं आई, सच सच बताओ आखिर कहना क्या चाह रही हो। मैं कहा कह रहा हूँ हरे मोर भरपूरी नाम। महारानी तुम बारंबार तो पूछ रही हो कि कहो मंत्रा क्या बात है, कहो क्या बात है। अब तो मैं तुम्हें सच्ची बात कहते भी डर रहे हो, क्योंकि तुमको पहले ही मेरा नाम भरपूरी लगती है, तो जब मैं भरपूरी हूँ तो अब मैं तुमसे क्या कहूँ। अब ये पराया हो जाता है, वही दिन तुम्हारे लिए आ गया है, कभी ही तुम्हारे पास में नहीं है। देख लो कमल का फूल जब तक जल में रहता है तो सूर्य नारायण कमल के फूल की रक्षा करते हैं, और उसी कमल के फूल को जल से बाहर कर दो तो सूर्य नारायण अपने तेज से जलाकर राख कर देते हैं। वही हाल तुम्हारा राजा बनेगा, तुम्हारा बेटा भरत राजा क्यों नहीं बनेगा। जितना अधिकार राम का है उतना ही अधिकार भरत का है, सोचो के कई सोचो। महारानी महाराज तो तुमसे झूठी प्रेम करते हैं, झूठा या स्नेह तुमसे करते हैं, और सच बात तो ये है कि प्रेम वो तुम्हारी शौक कौशल्या से करते हैं, तुमसे वो झूठी खुशी अपनी करते हैं। अरे महिला तो मेरी शपथ है, आखिर मैं कहना क्या चाहती हूँ तुम्हें कुछ समझी नहीं तुम बारंबार क्या मुझसे पूछ रही है कि कौन मेरा हित कर सकता है। और तुम रघुवंश की महारानी, अब तक मेरे इशारे को तुम नहीं समझ पाई तो मैं तुम्हें क्या कहूँ। राम की लखकारी जो भयो तुम कहो तो बीज तुझे बालो। मैं इतना तुमसे जरूर कहती हूँ, अगर कल राम राजा बन गए तो विधाता तुम्हारे लिए मुसीबत का बीज बाव कर देंगे, बस जिंदगी भर रोती रह जाओगी, हाथ मलती रह जाओगी। रेखा खेच कर कहती हूँ, अगर कल राम राजा बन गए तो तुम हो जाओगी दूध की मक्खी। जैसे दूध में मक्खी मर जाती है, लोग दूध को नहीं फेंकते, उस मक्खी को उंगली से निकाल के फेंक देते हैं। वही हाल तुम्हारा होगा, राम राजा बनेंगे, तुम्हें अपनी शौक कौशल्या की चाकरी बनानी पड़ेगी, और भरत को राम का दास बन के रहना पड़ेगा। मैं रोज रात में सपने देखती हूँ, लेकिन मैं
मैं जीवन भर मेहनत बिता दूंगी, एक अपनी सोच के सिवा कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगी। की सेवा क्या करोगी? सौत के मांग में तो आग की चिंगार डाल दो ताकि वो जल के राख हो जाए।